ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد मसाजरीन सबसे पहले तमाम तारीफ़ें हर किस्म की बड़ाई किबरियाई उसी अकेले अल्लाह के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें रमजान की ये बाबरकत शादत नसीब फरमाई और अलहद आज तक हमने रमजान के बाईस रोज़े तकरीबन गुज़ार दिए और आज तेईसवीं रात है देखिए कि किस तेज़ी से ज़माना गुज़रता है कि भी हम इस इंतज़ार में थे कि शायद रमज़ान शुरू हो और इस लॉकडाउन में रमज़ान पता नहीं कैसे गुज़रे हालात क्या हों और अभी पलक झपकते हम इस रमज़ान की आखिरी रातों में आखिरी दिनों में पहुंच चुके हैं कि जो रातें ज़िंदगी भर की रातों से कहीं अफज़ल कहीं बेहतर और ज़्यादा रहमत व बरकत वाली रहमत वादत वाली हैं यही मिसाल है इंसान की ज़िंदगी की कि सुबह शाम हो और बस उम्रियों ही तमाम हो जाए कल जो लड़के थे वो आज नौजवान हैं जो आज नौजवान थे वो कल बूढ़े होंगे और ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी जैसे अल्लाह ताला ने दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल देते हुए कहा कि इन नमामत और हयात दुनिया कमा इन अनुन समब फ़्तल तबी नबातल असबह हशीमा فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أهلها وظ... و... وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس إكرج الله نفرما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض फस बशी मन तदरू हो रहा है कि दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है कि जैसे आसमान से पानी बरसा ज़मीन में पहुँचा ज़मीन में कुछ अनाज उग आया खेतियाँ लहला उठी और बाघ हरे भरे हो गए फिर अचानक या तो कोई हवा आई और पूरे बाग को पूरे खेत को तहत नहस करके रख दी या फिर खेती पक गई लोगों ने काट ली अब उस खेती में कुछ बाकी नहीं रहा बिल्कुल यही मिसाल है ज़िंदगी की कि इतनी तेज़ी से गुज़र जाएगी जो अभी हमने इस रमज़ान को देखा कि अभी रमज़ान की थी अभी हम रमज़ान के इंतहा में हैं कुछ दिन बाक़ी हैं मैं अपने आप से कहूँगा और आप तमाम से कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर वक़ा लें अपने आप को थोड़ा सा झिझोड़ें और अगर हमने कुछ खैर किया हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें मज़दीद खैर करने का मौका बाकी है शब ख़दर की तलाश बाकी है इसे तलाश करें और अगर हमने अब तक खैर नहीं किया है अभी हम पीछे हैं तो अभी वक्त गुज़रा नहीं है लौट करके के आएँ पलट करके आएँ अल्लाह की रहमत अल्लाह की बरकत अल्लाह की इस वसअत मगफरत को पाने की कोशिश करें मौसा साजन बड़ी बाबरकत वात होगी जिस रात बंदे को अल्लाह ताला इबादत की तौफीक दे और इबादत कबूल कर ले बड़ा खुशनसीब वह बंदा होगा जिसको शब क़द्र की वो बाबरकत शादत नसीब हो जाएँ हम अल्लाह के तमाम आजमाय हसन और उसकी तमाम सिफात का वास्ता देकर उससे इस बात का सवाल करते हैं कि हमारे परवरदगार हमें इस शब कदर की शादतों को बरकतों को हासिल करने वाले में से बना और अल्लाह हमारी इस इस रात में मगफ़रत फरमा और रमजान के गुजरने से पहले अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा मज़ा साफरी मैं आज आपके सामने वही हदीस रखूँगा जो नबी करीम इसत वसलाम से माई आयशा सिद्दीक़ार रज़ी अल्लाह तह ने पूछी थी कि अल्लाह के, के नबी अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात शब कदर है तो मैं क्या मांग लूँ अल्लाह से उस रात को तो नबी करीम इसत वसलाम ने उनसे कहा कि तुम ये मांग लेना अल्लाकाफू तो हिब्बल फ आफ यानी सवाल के अंदाज़ को देखें सवाल का अंदाज़ यह है कि अगर मुझे पता चल जाए आरा इन आलि तो अयिन माकुफी पता चल जाने पर पता चल जाने पर क्या मांगना चाहिए अल्लाह ताला से, कौन सी चीज़ तलब करनी चाहिए अल्लाह ताला से? तो पता चल जाने के बाद इंसान चाहता है कि सबसे अहम चीज़ ले ले उसके किसी फ़ायदे को अपने से छूटने ना दे और वो पूरी इस बात की कोशिश करता है कि कोई उसमें उसका नुक़सान ना हो कोई उसमें कमी ना हो तो उसी किस्म का सवाल आयशा सिद्दा रफी अल्लाह ताल ने पूछा कि अगर पता चल जाए कि कौन सी रात शब कदर है तो मैं क्या मांगूँ तो नबी करीम सलाम ने जो दो दुआ सिखाई बड़ी ही प्यारी दुआ अल्लाका आफ़ू तो हिब्बल फ़आफ़ अन्नी कि अ मेरे अल्लाह बेशक तू बखशने वाला है करने वाला है करने को पसंद करता है फाफ आन्नी तो मेरे गुनाहों की मफ़रत फ़रमा मुझे मुआफ़ फरमा ये दुआ नबी करीम असलाम ने हमारी अपनी माँ आयशा सिद्दीक़ा रफ़ी अल्लाह ताल को सिखाई अल्लाक आफोहबालाफ़ वफाफानी ये बड़ी ही प्यारी दुआ है सबसे पहले तो दुआ में जो अल्फाज हैं अल्लाह का जो नाम है ये सबसे से बाबरकत नाम सब पाकिज़ा नाम है कई इस बात के कायल हैं कि जैसा नबी करीमसरा तो वसलाम ने फरमाया कि अल्लाह का एक इसमें आज़म है अल्लाह का एक इसमें आज़म है अगर उस नाम से कोई बंदा मांग ले तो अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करेंगे तो वो कौन सा इसमें आज़म है कौन सा नाम है इसके ताल्लुक से मुख्तलिफ कराम के अखबाल हैं बाज़ ये कहते हैं कि या है्यू या क्यूम अल्यूम ये वो नाम है ये वो नाम है जो अल्लाह जिससे मांगे तो कबूल करते हैं दुआओं को और बाज़ल ने कहा कि लव्अल्ला लव् जला ये वो नाम है कि बंदा इससे मांग ले तो इस एतबार से देखें कि इस दुआ की इब्तदाई अल्लाह यानि यानी सबसे बेहतरीन नाम अल्लाह ताला का लेकर के अल्लाह को पुकारता है और ये वो नाम है कि जिसमें कोई शरीक नहीं है अब मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के दूसरे नाम आप लें जैसे अल्लाह ताला सुनने वाला है तो इसमें बंदे भी सुनते हैं अपनी ताकत के हिसाब से अल्लाह और बंदे के सुनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बल्कि अल्लाह और बंदे के सुनों में कोई सिमिलरिटी नहीं हो सकती बिल्कुल मुख्तलिफ है दोनों में उतना ही फर्क़ है जितना खालिक और मखलूक में फ़र्क़ है जितना अल्लाह और उसके बंदे में फ़र्क़ है दोनों के सुनने में उतना फ़र्क़ है आप बसीर लीजिए करीम लीजिए गनी लीजिए ये मुख्तलिफ नाम है जिसमें कुछ बंदे शरीक होते हैं अपनी कमज़ोरी के साथ और अल्लाह उसमें उस नाम का हक़ हक रखता है अपनी पूरी बेनयाजी के साथ अपनी पूरी बुलंदी के साथ लेकिन लफ्ज़ अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह इसमें कोई शरीक नहीं है इसमें कोई शरीक नहीं हो सकता ये अकेला अल्लाह का नाम है ये अकेला अल्लाह का नाम है हती कि हई अल्हई अकयूब में जो अल्हई का लफ्ज़ है तो इंसान भी हई होता है हई का माना होता है ज़िंदा इंसान भी जिंदा है लेकिन ज़िंदगी ज़िंदगी में फ़र्क है ज़िंदगी ज़िंदगी में फ़र्क है उतना ही जितना खालिक और मखलूक़ में फ़र्क है लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का नाम वो नाम है कि जिसमें कोई दूसरा शरीक नहीं है जिसमें कोई दूसरा शरीक नहीं है अल्ला इस नाम से आप अल्लाह ताला को पुकारते हैं और कहते हैं इन् का आफ़ून का लफ्ज़ इन्ना जो अरबी जानते हैं उन्हें पता है कि लफ्ज़ इन्ना में एक ताक़द का माना पाया जाता है लफ्ज इन्ना में एक ताक़द का माना पाया जाता है कि बेशक यकीनन तो इसमें बंदा पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह ताला ही माफ करने वाला है पूरे यकीन और अतमाद के साथ अल्लाह को पुकारता है कि अयल्लाह अरे परदगार इन न का आफू बेशक तू ही माफ करने वाला है बेशक तू ही माफ करने वाला है और इसी तरीके से इन आफू उनका जो जुलमा जुमला इस्तेमाल हुआ है जिनको अरबी जबान पता हो उन्हें यह भी पता होगा कि जुमलेिया जुमल फैलिया किस्म के जुमले होते हैं जुमले फ़ैलिया जुमले इसमिया में जमले इसमिया में मजबूती ज़्यादा होती है सबाती ज़्यादा होती है सबात कदमी ज़्यादा होती है जुमले इसमिया में साबित क़दमी ज़्यादा होती है तो वो जुमला अल्लाह ने यहाँ पे इस्तेमाल किया अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किया अल्लाफू अल्ला का आफो उन और आफू का लफ्ज़ जो अल्लाह तारा ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है दरगुजर करना मुआफ करना मिटा देना अरबी में आफा याफू कहते हैं मिटा देने को आफा याफू कहते हैं मिटा देने को यानी अल्लाह तार गुनाह को मिटा देगा गोया कि वो है ही नहीं अल्लाह लोह का अल्लाह लहन का आफोन अल्लाह बेशक तू ही बख्शने वाला है तू ही मुआफ़ करने वाला है और अरबी जबान की एक, एत, एक और एतबार से आप देखें इन का आफू

तो फौरी अल्लाह को याद करते हैं अपने गुनाहों की मफफरत चाहते हैं अपने गुनाहों की मफफरत मांगते हैं जक्र फरली जनूबी अपने गुनाहों से रख करके अल्लाह से माफिया मांगते हैं जक्र अल्लाह फस्तक फरली जनुबी हम फिर अल्लाह तहते हैं वी अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ़ करेगा अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ़ करेगा तो बंदा इसमें कहता है कि अल्लाह इन काफू अल्लाह तू माफ करने वाला है कोई नहीं है जो माफ करे तेरे अलावा कोई जात नहीं है जो माफ करेगी बस तेरी अकेली जात है तू अकेला है जो गुनाहों को माफ करने वाला है इस यकीन के साथ इस एतकाद के साथ इस ईमान के साथ इस जज्बे के साथ और अल्लाह पर अंधा धुंध भरोसा करते हुए अल्लाह को बेसाख्ता बंदा पुकारे अल्ला का आफू एल्ला तू माफ करने वाला है तू माफ करने वाला है इन का आफू और मजहरीन कुरान में अल्ला ताली ने कहा व् लसमा उहसन फ़द्बिहा बहुत से बेहतरीन नाम हैं उन नामों से तुम अल्लाह को पुकारो उन नामों से तुम अल्लाह को पुकारो और अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह को पुकारना या अल्लाह के नाम का वसीला देना है ये सीधे दुआ नहीं है बल्कि ये दुआ अल्लाह के वसीले के साथ है कोई हराम वसीला नहीं है किसी पीर का वसीला नहीं है ये वसीला अल्लाह के नाम का वसीला है आप अल्लाह को दुआई देते हैं आप अल्लाह को दुआई देते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह तू ही तो माफ करने वाला है तू ही तो माफ करने वाला है इसमें अल्लाह के नाम आफू इसको वसीला बना करके आप मांग रहे हैं इसको आप वसीला बना करके मांग रहे हैं अल्लाह अल्लाह तू ही है जो माफ करने वाला है तू ही है जो माफ करने वाला है तो मज़ा सहाद्रीन इतनी प्यारी दुआ इतनी बेहतर दुआ इतनी बाबरकत दुआ और इतनी उम्मीद वाली दुआ इतनी यकीन वाली दुआ नबी करीमत ने अपनी सबसे चहेती बीवी बल्कि मखलूक में सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स जो अल्लाह के नबी को थी, वो आपकी बीवी आयशा सिद्दीक़ रजी अल्लाह थी उनको सिखाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि शब कदर कौन सी है तो तुम ये दुआ मांग लो अल्लाफुन तोहिबाफवा फाफ अन्नी मौजाद यहाँ पर मैं एक बात की वजाहत यह भी कर दूँ कि बाज रिवायतों में जैसे तिरमी वगैरह के पास अल्लाह का अफ़ुवुन करीमुन करीम का लफ्ज़ जिक्र किया जाता है अल्ला का अफ़ुवुन करीमुन आफ़ू के बाद करीम का कलिमा इस्तेमाल किया जाता है जो अल्लाह का नाम है अल्लाह का नाम है करीम लेकिन नबी करीमत वसलाम ने कलिमा नहीं सिखाया अल्लाह के नबी आल सलत ने जो दुआ अपनी चहेती बीवी माँ हमारी अपनी माँ आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह को जो अल्फाज सिखाए वो यहीफा थे अल्लाफोन तो हिब्लाफाफानी तो हिब्लाफा फाफानी करीम के अल्फाज नहीं हैं अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी के अल्फाज हम पढ़ें तो हम ये दुआ पढ़ें अल्लाका अफोन तो हिब्लाफाफानी तो सबसे पहले तो अल्लाम इतना बाबरकत कलिमा अल्लाह के इस नाम के ज़रिए बंदा दुआ करता है इन्नका नाफ़ून पूरे यकीन के साथ पूरे ईमान के साथ और पूरे एतमाद के साथ और अल्लाह ताला पर एक यकीन रखते हुए कि वही अकेला है जो माफ़ करने वाला कोई और नहीं है जो माफ़ करेगा उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है इस पूरे मजबूत अकीदे के साथ कि व मई अक जनूब अल्लाह अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ़ करेगा इस नाम के साथ अल्लाह को पुकारता है अब उसके बाद अल्लाह केवी ने जो क़लिमा सिखाया ये तो हहेबलफ़ तो ऐसा नहीं है कि तू तो सिर्फ माफ़ करता है बस ऐसा नहीं है कि तू तो सिर्फ़ माफ़ करने वाला है बल्कि ऐसा है कि तू तो माफ़ करने को पसंद करता है एक और अल्लाह के नाम का अल्लाह की सिफत का वास्ता अल्लाह को दे रहे हैं हम एक और तरीके से अल्लाह को दुहाई दे रहे हैं अल्लाह को आवाज दे रहे हैं अल्लाह को आवाज लगा रहे हैं तो हेबुल आफ है अल्लाह तू तो माफ करने को पसंद करता है तेरी महब्बत है माफ करने से तो माफ़ करना चाहता है तो हेबुलाफ हुआ यानी हम अल्लाह को दुहाई देते हैं। उसकी महब्बत का नाम लेकर के अल्लाह मैं जो चीज़ मांगने जा रहा हूं वो तेरे पसंदीदा काम है मैं जिससे जो जो तुझसे तलब करना चाह रहा हूं वो तेरी पसंदीदा चीज है तू तो मुआफ करना चाहता है मुआफ करने को पसंद करता है तू तो वो है जो हर रात आसमान दुनिया पर आकर के निदा लगाता है आवाज लगाता है मैं इस तकफरूनीफा अकफर अला कौन है जो मुझसे मफफरत मांगे मैं उसकी मफफरत कर दू मैनीफा इस तजीब अल कौन है जो मुझसे दुआ मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल कर लू मैलिया कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे यानी तू तो वो है जो माफ करने को पसंद करता है माफ करने को चाहता है और तू, तू तो वो है जिसको माफी बड़ी पसंद है तो हाज़रीन हम अल्लाह के नाम का वास्ता दें अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारें और हम अल्लाह ताला को उसके नाम का आफू का वास्ता दें और यकीन अतमाद से पुकारें फिर अल्लाह को मफ़िरत मुआफी करने की जो मोहब्बत अल्लाह की है, अल्लाह जो चाहता है अल्लाह जो पसंद करता है उसका हम वास्ता दें यकीन इस दुआ में अल्लाह ने अल्लाह के नबी आसरा वसलाम ने बड़ी बरकतें रखी हैं बड़ी सदतें रखी हैं ये दुआ यकी ऐसी दुआ है कि बंदा अगर दिल की गहराइयों से पूरे अखलास के साथ अगर बंदा यानी पूरी गहराइयों के साथ पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला, से अगर कोई बंदा मांग ले तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे उसकी तो सिफत ये है उसकी तो सिफत ये है कि वो सुबह अपना हाथ फैलाता है कि रात में किसी ने गुनाह किया हो तो माफ़ी मांग ले शाम में हाथ फैलाता है कि दिन में किसी ने गुनाह किया हो तो उसको माफ कर दे वो माफ करना चाहता है वो माफ करना चाहता है वो तो वो है कि माफ करने पर उसे बड़ी खुशी होती है वो तो वो है कि बंदा जब लौट करके आए तो उसको उतनी खुशी होती है कि अल्लाह के नबी आसलाम ने जैसे फरमाया कि अगर किसी की ज़िंदगी जा करके दोबारा मिल जाए जिसको अपनी मौत अपनी आँखों से दिखाई दी हो अगर वो दोबारा अपनी ज़िंदगी को पाले तो उसकी खुशी का जो हाल होगा उससे कहीं ज़्यादा खुशी अल्लाह को उस वक्त होती है जब कोई बंदा लौट करके अल्लाह के दरबार में आता है और अल्लाह से माफ़ियाँ मांगता है तो इतनी प्यारी दुआ नबी करीमलात वसलाम करीम ने हमें सिखाई इतनी प्यारी दुआ नबी करीम इसत वसलाम ने हमें सिखाई कहा अल्लाह ए मेरे परवरदिगार ए मेरे इलाह और इलाह का लफ्ज़ किसे कहते हैं इलाह का लफ्ज़ निकला है देखिए जैसे वलह से निकला है हैरानी परेशानी जब कोई बच्चा परेशान हो जाए तो सीधे माँ की तरफ दौड़ता है बच्चा परेशान हो जाए तो माँ की तरफ लपकता है तो वैसे ही जब बंदा गुनहगार हो जाए उसे अजाब का डर होने लगे उसे एहसास हो जाए तो अपने रब की तरफ लपकता है अपने अल्लाह की तरफ लपकता है अपने अल्लाह की तरफ दौड़ करके जाता है अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगार ऐ मेरे, मेरे अल्लाह यानी अल्ला 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 पलट करके अल्लाह के पास जाता है इतना बेहतरीन कलिमा लेकर के अल्लाह ताला से मांगे अल्लाह उम इक तोवा फा अन्नी के एल्ला बेशक तू ही माफ़ करने वाला है तेरे अलावा कोई नहीं है जो गुनाहों को माफ करेगा और ऐसा नहीं है कि बस तू माफ़ करने वाला है तो माफ़ करने को पसंद भी करता है तो मुआफ़ करने को पसंद भी करता है तो हिब्बाह तो माफ़ करने को पसंद करता है फा अफआनी तो अरे परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे ए मेरे पर दिगार मुझे माफ़ कर दे तो बंदा जब ये दुआ अल्लाह ताला से मांगे जब ये दुआ अल्लाह ताला से मांगे तो यकीनन अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे और वो भी उस रात में वो भी उस रात में जिस रात अल्लाह ताला की रहमतें ही रहमतें होती हैं जिसके ताल्लुक से अल्लाह तरमाया तनजरमलाफी बेजन रब अमर के फरिश्ते उसमें उतरते हैं रुहलबीन उसमें उतरते हैं अल्लाह के हुक्म से सलाम और उस रात जिस रात में सलामती आम होती है सलामती छाई हुई होती है और पूरी रात सलामती बाकी रहती है ऐसी रात में अगर बंदा अपने रब को पुकारे सच्चे दिल से पुकारे गुनाहों की माफी तलब करे अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगे अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने रखे तो यकीन यकीनन यकीनन अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करेगा उसको उसके गुनाहों से साफ कर देगा उसके उसके गुनाहों को धो देगा जिस तरीके से अल्लाह के नबी आसात वसलाम ने जो दुआ सिखाई अल्लाबाबीन उबिनकमाबातबिनमशरकमरब अल्लाकम्बरद के एल्ला जिस तरीक़े से मशरक मग़रब में दूरी है वैसे मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी कर दे और अल्लाह औरल्ला मुझे उसी तरीके से गुनाहों से साफ़ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़े को गंदगी से साफ किया जाता है और अल्लाह मेरे गुनाहों को पानी से से, बार, बार बर्फ से और ओलों से अल्लाह मेरे गुनाहों को धो दे तो अल्लाह ताला यकीनन यकी है कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को धो देगा तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला तलाफ कर देगा तो मजहरीन अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगें अपने गुनाहों का एहसास करते हुए अपनी गलतियों का एहसास करते हुए अपने गुनाहों को अपने नज़रों के सामने महसूस करते हुए कि हमने ये गुनाह किया हमने वो ग़लती की हमने अल्लाह की यहाँ नाफरमानी की हमसे ये कोताही हुई हकूक़ अल्लाह में हमने ये कियाकूक इबाद में हमने ये किया अब सच्चे दिल से सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला यकीनन इंसान के गुनाहों को माफ़ करने पर क़ादिर है अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करना चाहता है पसंद करता है माफ़ करता भी है और फाफ़ु अन्नी के जो अल्फाज हैं फाफो अन्नी मुझसे दरगर फरमा गोया आप ऐसे समझें कि जैसे आप मुनाजा अकेले अल्लाह से कर रहे हैं आप है आपका अल्लाह है कोई और नहीं है जो बीच में हो यकीन जब इमाम दुआ कराए तो अल्लाह काफू तो हबुल्लाफा फाफो अन्ना के अल्फाज कहेगा फाफो अन्ना के अल्फाज कहे ताकि वो और उसके पिछले जितने लोग ठहरे वो तमाम उसमें शामिल हो जाए जिस पर उनको आमीन कहनी है और आमीन कहते हैं लेकिन जो दुआ नबी करीम सलातलाम ने अपनी चहेती बीवी को सिखाई और वो अपने अकेले के ताल्लुक से सवाल कर रही हैं फराफ अन्नी अल्लाह के नबी ने सिखाया कि अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे और हम अकेले में दुआ पढ़ रहे हों अकेले में दुआ पढ़ रहे हों तो आपका और आपके अल्लाह का मामला है आपका और आपके अल्लाह का मामला है यानी इसमें आप ये भी तस्वूर पैदा करने की कोशिश करें कि आप हैं आपका रब है कोई और नहीं है दरमियान में आप हैं और आपका रब है कोई और नहीं है दरमियान में और जब कोई बंदा अकेला हो और जिसको वो अपनी ज़िंदगी से सबसे बढ़ के चाहता हो वो उसके साथ अकेला हो तो उससे कोई हिजाब नहीं रह जाता उससे कोई हिजाब नहीं रह जाता उससे कोई पर्दा नहीं होता वहां पे आप उसके सामने अपनी हर बात रखें वो तमाम बातों को जानने वाला है हर चीज को समझने वाला है आपके दिलों की कैफियतों का पूरा इल्म उसके पास है आपकी पूरी जिंदगी का उसे पता है पिछली तमाम चीजों को वो जानता है उस आपकी कोई चीज उससे कभी पोशीदा नहीं रही अगली जिंदगी को वो जानता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं आप आगे क्या करेंगे उसका पूरा उसे इल्म है और जिसको ये सब कुछ पता होगा और आप अकेले में उससे मांग रहे होंगे तो उस पूरे त को आप अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें और अल्लाह से मांगे फाफ आनी अल्लाह मेरे गुनाहों को दरगुजर फरमा तो आप हैं आपका रब है एक खलवत है एक तन्हाई है अकेलापन है रात की तारीकी है अंधेरा है सजदे की हालत में हो आप अल्लाह से मांगे आप अल्लाह से सबसे करीब हो और आप अल्लाह ताला से इतने करीब हैं कि उस गुरबत की दुआएं कबूल होती हैं अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करता है तो ऐसे हालत में आप अल्लाह ताला से तलब करें अल्लाह اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني الا الا بشط مواف کرنے अल्लाह तो माफ़ करने को पसंद करता है तुझे बड़ा अजीज़ है कि तुल बंदों को माफ़ करे गलतियों को माफ़ करे अल्लाह तो मुझे भी माफ़ कर दे मेरी गलती माफ़ कर दे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ीम दुआ को जो कि नबी करीम करीमरासलाम ने अपनी सबसे चहेती बीवी सबसे चहेती मखलूक को अल्लाह के नबी ने सिखाई है और उन्होंने हम तक ये बात पहुँचाई कुरबान जाए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह पर कि उन्होंने इतनी बेहतरीन दुआ हमें बताई कि हम ताकि अपने गुनाहों से अल्लाह की दरबार में गुनाहों को रख करके मुआफियाँ तलब कर सकें और अल्लाह अपने गुनाहें अपने गलतियों को माफ करवा सकें तो मसद्रीन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन रातों में पूरे इखलास के साथ अल्लाह इबादत करने और क्यामल करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे यकीनी मानों में हक़ीक़ी मानों में उसी एक अल्लाह से मांगने वाला उसी की इबादत करने वाला बना करके ज़िंदा रखे और जब मौत दे तो अल्लाह ताला हमें खातिमा बिल खैर हमारा खातिमा बिल खैर फ़रमाए और सुई खातिमा से अल्लाह ताला हमें महफूज़ फरमाए और मौजूदन अल्लाह से ख़ास तौर पर दुआ करें कि अल्लाह ताली हमारे लिए शब कदर नसीब फरमाए जिस एक रात की इबादत यकीनन बड़ी अफजल है बड़ी बेहतर है हज़ार महीनों से कहीं ज़्यादा अफजल अगर है तो यकीनन हम हक़ रखते हैं कि उसके लिए हम जी तोड़ कोशिश करें जैसे अल्लाह के नबी के तालक़ से आता है क्यान नबी इसदिलवाला इस तहिदुलफी इस तहिदु गैर अल्लाह के नबी इस अशर अख़ीर में वो महनतें करते वो महनतें करते कि अल्लाह के नबी वो मेहनतें किसी और वक्त नहीं किया करते थे किसी और दिनों में नहीं किया करते थे तो मज़ा हाद्रीन ये महनत करने के दिन हैं ये जागने की रातें हैं ये रोने की गिड़गिड़ाने की रातें हैं ये अल्लाह के दरबार में अपने आप को ले जाने की रातें हैं और अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों को रख करके माफ करवाने की रातें हैं तो अल्लाह के लिए इन रातों को गनीमत समझें और बेहतर से बेहतर तौर पर अल्लाह की इबादत की, की कोशिश करें अल्लाह की इबादत करें अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ करवाएं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के मफर फरमाए और शब क़द्र हमें नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इस माह रमजान को हमारे तमाम गुनाहों की मखर زريا بناي آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين